हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ राजस्थान की एक ट्रेडिशनल बेसन की भरवा मिर्च की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी को बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है, तो मैं जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी उसमें बेसन की भरवा मिर्च बहुत ही सॉफ्ट बनने वाली है। आप इसको नाश्ते में रोटी के साथ खा सकते हैं। हम मिर्च में बेसन की सूखी फीलिंग का यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारी जो मिर्च है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। इस सॉफ्ट सॉफ्ट बेसन की भरवा मिर्च की रेसिपी सीखने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अब हम जल्दी से देखते हैं बेसन की भरवा मिर्च की रेसिपी। और रेसिपी से पहले सामग्री जिसकी हमें ज़रूरत है, बेसन की भरवा मिर्च बनाने के लिए इसको अच्छी तरीके से धोकर इसको पोंछ ले, और इसके बाद हमें इसको काटना है। काटने के लिए हमें इसमें बीच में कट लगाना है और इसके जो भी एक्स्ट्रा बीज है वो हमें निकाल लेना है। बीज आप अपनी सुविधा के अनुसार चाकू से या हाथों से भी निकाल सकते हैं। ये राजस्थान की एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, लेकिन इसको बनाने का तरीका भी राजस्थान में सब जगह अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ इसको किस तरीके से बनाया जाता है उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सभी मिर्ची को काटकर हमने उनके बीज निकाल दिए। कुछ दो तीन बीज रह जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिर्च को काटने के बाद अब हम बेसन को भून लेते हैं, और बेसन को भूनते समय इसमें 2 से 3 छोटे चम्मच ऑयल डाल दें, और हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है। बेसन जब अच्छे से भुन जाता है तो गैस का फ्लेम ऑफ करके हमें इसको अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है। बेसन के भुनने के बाद हमने इसको ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल देते हैं, क्योंकि हमने जिन हरी मिर्च का यूज़ किया है वो बहुत कम स्पाइसी है। उसके अलावा हमने उसके बीज भी निकाल दिए, तो उसका जो तीखापन है कम हो गया है। इसीलिए हम इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का यूज़ करेंगे। अगर हरी मिर्च स्पाइसी है तो आप लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कम करें। इसके अलावा हमने 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार यूज़ करें। और इसके अलावा हम 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर का यूज़ करेंगे। सारे मसाले डालकर इनको मिक्स कर लें। हमारे यहाँ बेसन मिर्ची की फिलिंग सूखी नहीं रखी जाती है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। और जो सूखी फिलिंग होती है जब उसकी बेसन मिर्ची बनाते हैं तो वो खाने में बहुत ड्राई सी लगती है, लेकिन जब हम बेसन में पानी डालकर उसका एक सॉफ्ट सा बैटर बनाकर जब उसकी फिलिंग मिर्ची में करते हैं तो मिर्ची बनने के बाद बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है खाने में। तो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। और अब हम इसमें नींबू का जूस डाल देते हैं और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा एक फाइन सा बैटर रेडी हो गया है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रहे हैं तो आप इस बैटर को थोड़ा सा थिक भी रख सकते हैं। तो अब हम ऑयल गरम कर लेते हैं, और जब तक ऑयल गरम होता है तो हमने जो मिर्ची काटी थी उसमें हम बेसन की फिलिंग कर देते हैं। मिर्ची में फिलिंग बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि हमने बेसन को गीला किया है, तो ध्यान रहे कि फिलिंग सारी बाहर ना निकले। और अब ऑयल भी अच्छे से गरम हो चुका है, तो हम इसमें जीरा, राई और हींग डाल देते हैं। अब हम इसमें मिर्ची डाल देते हैं, और मिर्ची हमें एक एक करके डालना है ताकि उसकी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। सारी मिर्च डालने के बाद भी आपको इसको चम्मच से बिल्कुल नहीं चलाना है। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपकी रेसिपी बहुत टेस्टी बनने वाली है। मिर्ची की फिलिंग के बाद अब जो ये बेसन वाली थाली है इसी में हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम मिर्ची के साइड में डाल देंगे। इसको हमें मिर्ची के ऊपर नहीं डालना है, बिल्कुल इस तरीके से। इससे मिर्ची के पकने में भी आसानी रहेगी, और बच्चे जो मिर्ची नहीं खाते हैं वो आराम से इस बेसन को खा लेंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक के रख देंगे। अभी तक हमने इसमें चम्मच का यूज़ नहीं किया है, और 10 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करते हैं। 10 मिनट के बाद
मिर्ची की जो फिलिंग है वो भी सेट हो जाती है, तो वो अब बाहर नहीं निकलती है। और जो हमने पानी डालकर पतला सा बेसन डाला था वो भी बिल्कुल सेट हो गया है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, क्योंकि बेसन तो पहले से ही भुना हुआ है, तो हमें सिर्फ इसमें मिर्ची को पकाना है। हमने जो साइड में बचा हुआ बेसन डाला था उससे मिर्ची पर कोटिंग हो जाती है, तो खाने में ये और भी टेस्टी लगता है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, मिर्ची बिल्कुल तैयार है और इसमें ऑयल भी दिखाई देने लग गया है। तो अब हम गैस ऑफ कर लेते हैं। तो तैयार है हमारी गर्मा गर्म नरम नरम बेसन मिर्ची की सब्जी। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।